أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم. मेरे साथ मिलकर कुरान आवाज़ से पढ़ें सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीब अल्लाह. मुहतरम सामईन अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अभी जो मैंने आयत पाक तिलावत की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 49 काफ़ी अर्थ के बाद काफ़ी तमीज अर्थ के बाद आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ. दुआ करें अल्लाह मुश्किलों को आसान करे और ये सिलसिला चलता रहे जब तक तो हो सके कोशिश तो कर रहा हूँ. आयत पाक जो मैंने पढ़ी उसका तर्जमा समाप्त फरमाएँ तंजीलुल ईमान शरीफ आला हज़रत का तर्जमा कुरान तंजीलुल ईमान. और याद करो जब हमने उनको फिरौन वालों से नजात बख्शी कि तुम पर बड़ा अजाब करते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बला थी या बड़ा इनाम. ये आयत पाक और उसका तर्जमा अपने समाज पर पाए. इसके ताल्लुक से कुछ बातें अर्थ करूँ, कुछ नहीं बहुत सी बातें अर्थ करूँगा तफसील से. कुछ बातें हैं इसमें. इससे पहले कि इस आयत पाक की तफसील कुछ किताबों से जो मैंने देखी है मैं पेश कर रहा हूँ वो पेश करूँ, उससे पहले एक कहानी आपको सुनाता हूँ. ये कहानी एक गरीब शख्स की है. जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल जो मैंने डिटेल्स आपको जिक्र किया था तफसील से बताया था कैसे कहाँ रहे क्या हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम कनान में रहने लगे. आपकी औलादें भी पड़ी, बहुत सी औलादें हुई. फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उनका जिक्र सबको पता है, आगे इंशाल्लाह तफसील आएगी उसकी. तो सभी को बताया कि वो मिस्र कैसे पहुंचे, कैद में रहे, सारी बातें हैं. अब यहाँ पर जो है आप मिस्र में रहे, वहाँ याकूब अलैहिस्सलाम कनान में थे अपनी औलादों के साथ, वहाँ कनान में कहत पड़ गया. तो याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलादों आल और औलाद के साथ मिस्र तशरीफ ले आए और वहीं पर फिर ये बनी इसराइल जो है याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें बड़ी लाखों तक पहुँचे मिस्र में. मिस्र जो है इजिप्ट जो आज से इजिप्ट कहते हैं वही मिस्र. तो वहाँ पर ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें जो बनी इसराइल हैं यहूदी आज के इसराइल ये वहीं पर मतलब मिस्र में आबाद हुए और लाखों औलादें हुई. उसी वक्त में उसी वक्त का एक शख्स था जिसका नाम था वलीद बिन मसअद बिन उमैर. वलीद बिन मसअद वलीद नाम था, बड़ा ही गरीब शख्स था, अत्तार था, अस्फहान में रहता था. हालत ये थी कि कर्जों में डूबा हुआ था, न रोजी रोजगार का पता, यानी मिस्र के हालात ही बिगड़ गए थे. ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के बहुत बाद का वाक्य है, तकरीबन 400 साल के बाद का वाक्य. यानी मैंने सिर्फ ये बताया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें मिस्र में आ गई
के नाम छोड़ के और अपनी तरह आबाद हो गया। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जो होता रहा, 400 साल गुजरे, उस गुजरने के बाद ये वाकयात हुए कि बदनज़मी फैल गई थी, अनार्की जिसे कहते हैं अंग्रेजी, जिसके जो दिल में आ रहा था कर रहा था। तो इसमें ये वलीद भी था जो अस्फहान में रहता था, काम काज नहीं, रोजी रोजगार नहीं, कर्जों का ढेर, अंबार लग गया सर पे, भाग गया। मतलब कुछ यहाँ कुछ होना नहीं, कहीं और चलते हैं, कुछ तलाश करते हैं कि कुछ हो जाए, कुछ हालात सुधरे। अस्फहान छोड़कर भाग गया और शाम पहुंचा सीरिया, वहां भी कुछ इसका मामला बना नहीं, सीरिया में भी इसे कुछ मिला नहीं उस वक्त। अब वहां से तंग आकर के ये ईरान से सीरिया, शाम शाम से अब मिस्र पहुंचा। मिस्र में जब ये रोजी रोजगार की तलाश में आया तो जो बॉर्डर्स जो होती है, बॉर्डर्स के पास एक गांव में, सरहद के पास एक गांव में इसने देखा कि तरबूज, संता, वाटरमेलन, कलिंगड़ एक दिरहम में पूरी गोनी मिल रही थी, वहीं खेती बाड़ी में सस्ते मिलते थे, एक दिरहम में अच्छी खासी बड़ी गोनी भर के एक दिरहम। और वही तरबूज उसे पता चला कि शहर में बिकते हैं एक दिरहम का एक तरबूज, एक कलिंगड़, यहाँ पे एक दिरहम में अच्छे 20-25 पीस आ गए, खाली ले जाना है शहर में बेचना है तो एक दिरहम का वहाँ डबल ट्रिपल बल्कि और 10-20 गुना पड़ जाता है। बेचारे यार ये तो बहुत प्रॉफिटेबल है, यही करना चाहिए, ये काम शुरू करते हैं। तो इसने वहाँ से एक दिरहम में कोई पूरी तरबूज की कलिंगड़ की वाटर मेलन की खरीद और उसे लेकर के शहर की तरफ, मिस्र की तरफ बढ़ा, मतलब जो दारुल खिलाफा जहाँ बड़ी मंडी लगती थी। और शहर तक पहुँचने में बड़ा खुश था कि अब तो सारे कर्जे दूर हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। अब ये जब गांव से निकला, थोड़ा करीब थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ सिपाहियों ने इसे रोक लिया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, ये खरीदा मैंने आगे कुछ नहीं, आज चाय बेचना है या तो निकले हो टैक्स, मेरे पास सब कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, ये कलिंगड़ जो है, तरबूज जो है, इसमें से एक हमको दे दिया, कोई कुछ नहीं दे दिया। फिर कुछ आगे बढ़ा, वहाँ पर कोई और आ गया, क्या किधर बेचने जा रहा मंडी में, हाँ उसका टैक्स लगता है, चलो उसने भी एक ले लिया। शहर तक पहुँचते पहुँचते, मार्केट तक पहुँचते पहुँचते, कभी कोई किसी बहाने से आ जा रहा है, कभी कोई किसी बहाने से आ जा रहा है। हुकूमत के कारिंदे जो एम्प्लॉयज़ थे, सरकारी अफसरान, गवर्नमेंट सर्वेंट जो थे, वो बहाने बना बना करके इससे रिश्वत के तौर पे एक एक तरबूज लेते थे। हद ये हाल ये हो गया कि जब ये शहर में पहुँचा मार्केट में मंडी में, तो जितने उसने वहाँ खरीदे थे वो टैक्स में या रिश्वत में देते देते अब मार्केट में पहुँचा तो उसके पास सिर्फ एक ही कलिंगड़ बचा था, एक ही तरबूज बचा, सारा खत्म। वो एक बेचा, एक धर्म अपना जो धर्म लगाया था। अब सोचा कि यार ये इतने सारे टैक्स तो कोई गवर्नमेंट, कोई बादशाह नहीं लगाता, कोई बादशाह इतने टैक्सेस नहीं लगाता कि किसी का सब कुछ बचे ही नहीं, जनता पूरी बर्बाद हो जाए। अरे यार पूरी पैसे टैक्सेस जो होते हैं जनता को बर्बाद करने वाले किसी को पसंद नहीं आते। GST लग गया था जैसे वहाँ पे डबल ट्रिपल सब कुछ ले रहे, पता नहीं और भी कौन सी किस्म का होगा, उससे भी बढ़कर कुछ होगा। GST में तो कुछ ना कुछ है छूट, 28% तक होते हैं आगे बढ़ा, फिर नीचे वाले भी अलग अलग चले थे। खैर वो CS जानते थे। यहाँ पर अपनी बात कर, दरुदे पाक पढ़े, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इसके समझ में आया कि भाई ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लग रहा है, ये तो ये लोग अपने अपने मन से लगा रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितने जिसने मुझे रोका है, ये गवर्नमेंट को नहीं देते होंगे, ये एक एक तरबूज खुद ले ले रहे हैं अपने घर पे या अपने आपस में खा ले रहे होंगे, ये खुद रखते हैं, किसी मिनिस्टर के पास या बादशाह के पास नहीं पहुँच रहे।
ये खुद अपना अपना हर जिसके जैसा दिल में आ रहा है टैक्स लगा करके मुझसे एक या दो तरबूज ले लेकर सब अपना पेड़ भर रहे हैं खत्म कर। इसके समझ में आ गया कि भाई यहाँ बादशाह की नहीं चलती, बादशाह को पता ही नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे लूट खसोट चल रही है। तो जब चल रही है तो फिर मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी कुछ करता हूँ। और कोई पूछने वाला भी नहीं है, उसका ड्रेस पहने हुए हुकूमत का काफ़ी अपना डर के मारे सब दे रहे हैं। तो सोचा कि जब सब कुछ हो रहा है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ, दिमाग चलाया उसने। उसी टाइम जब ये पहुंचा था उस अरसे में, उसी पीरियड में मिस्र में वबा फैल गई, लोग मरने लगे, वबा पेंडेमिक देखा ना अपने पिछले सालों में कोरोना, ऐसा ही कुछ वहाँ फैल गया। पहले होता था चेचक वगैरह में लाइन के लाइन से चलते थे, अब तो इलाज वगैरह निकल गए, एक का निकलता अल्लाह से जो दूसरी पैदा कर गुना, ऐसे हो रहे कि कहीं पता नहीं कैसी कैसी मोबाइल आ जाती, फिर उसके पीछे लगना पड़ता। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा हमने, हम ऐसा देखेंगे, हमने खुद देख लिया कोरोना लॉकडाउन देगा किसी ने नहीं देखा हो। तो वैसे ही कुछ बस ये दुआ है कि अल्लाह ऐसे मुश्किल वक्तों से हम सबको हिफाजत में रखे, हमारे हिफाजत करे, तमाम दुनिया को अपनी तमाम में रखे, अपने रहम में रखे, आमीन। और गालिम जो है गालिमों को तो अल्लाह पूछने वाला नहीं, उनको परवरदिगार मजलूमों की मदद फरमाए, आमीन।